नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आईसी टेक में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एप्पल के एयरटैग के बारे में। एप्पल का जो अभी इवेंट आया है उसमें से ये एयरटैग थोड़ी सी यूनिक चीज़ है जो निकल कर आया है। तो बाकी के एप्पल के इवेंट को तो आपने फॉलो कर लिया होगा, उसके बारे में आपको सारे जानकारी ले ली होगी। तो सर, सबसे यूनिक चीज़ है जो एयरटैग है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसकी जो सारी कमियां हैं और जो उसकी खूबियां हैं वो उसके आपको सारी वीडियो में मिल जाएगी। और मैं इसकी वर्किंग के बारे में भी आपको बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है और आपको उसको यूज़ कैसे करना है। उसके लिए सिर्फ आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना होगा ताकि आपको एक एक जानकारी क्लियरली समझ में आ सके। तो बिना समय गवाए चलिए जानते हैं इसके बारे में। एप्पल का जो एक यूनिक चीज निकल कर आया है वो है इसका एयरटैग। एयरटैग की अगर आपकी वर्किंग के बारे में बात करें, एयरटैग एक छोटा सा डिवाइस होता है, एक गोल सा बटन से टाइप का, और उसको आप किसी भी अपने सामान पर लगा सकते हैं, जैसे कि आपकी जैकेट होगी, आपकी कीज होगी जो आपकी गुम हो जाती है और आपको कभी मिल नहीं पाती। तो अगर आपका एयरटैग उस पर लगा होगा तो आपके फोन से उसकी लोकेशन पता चल जाएगी। एयरटैग एक ऐसा अच्छा डिवाइस है जो कि सिर्फ एप्पल के साथ ही वर्क करता है। एप्पल का फोन आपको इसमें चाहिए होगा अगर आपको एयरटैग इसमें चलाना है। एप्पल का जो एयरटैग है वो मेनली ब्लूटूथ पर काम करता है। अगर आप वो ब्लूटूथ की रेंज में हैं तो उसको आसानी से आप पता कर सकते हैं। अगर आपकी वो ब्लूटूथ की रेंज से बाहर निकल जाए तो अब भी आप उसका पता कर सकते हैं। आप उसकी लास्ट लोकेशन जाकर फाइंड माई डिवाइस पर जाकर देख सकते हैं। उससे आपकी उसकी लास्ट लोकेशन पता चल जाएगी और उससे आप उसकी लोकेशन को आसानी से कैप्चर कर पाएंगे। आप हमेशा एयरटैग ऐसी चीज़ों पर लगा सकते हैं जो आप हमेशा भूल जाते हैं, या आपकी कोई कीमती चीज़ है जो आप रखकर भूलना नहीं चाहते। और एप्पल ने थोड़ा सा ये भी सस्पेंस दिया कि ये थोड़ा सा आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। एप्पल की एक एयरटैग की कीमत है वो है 3,000 के आसपास। अगर आपको 4 का पैक चाहिए तो आपको 10,000 के आसपास पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपको सिर्फ इसी एयरटैग को खरीदने के लिए। अगर आपको इस एयरटैग को खरीदना है तो आप 23 अप्रैल को जाकर 5:30 बजे इस एयरटैग को खरीद सकते हैं। और अगर आपका एप्पल का एयरटैग खो जाए तो आप किसी भी NFC एनेबल फोन से इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये थे एयरटैग से जुड़ी सारी जानकारी। तो उसके बाद जान लेते हैं मेरे रिव्यू के बारे में। और अब तक तो आपने अपना मन बना लिया होगा कि आपको इसको लेना है या नहीं लेना है। तो मेरा मानना तो ये है कि हम इसको 10,000 रुपये क्यों खर्चेंगे। आप सीधा अपनी मम्मी को जाकर कहिए, मम्मी आपकी कहीं से भी जाकर आपकी चीज़ को ढूंढ देगी, उसमें इतनी पावर होती है। तो ये तो चलो रही मजाक की बात, पर मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती कि हम 10,000 रुपये इस छोटी डिवाइस के लिए क्यों खर्चें। एप्पल को भी थोड़ा सा देखना चाहिए था कि हमारे रीच के अकॉर्डिंग इस प्राइस को लॉन्च करते। मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं अपने 10,000 रुपये खर्चूंगा सिर्फ ऐसे डिवाइस को लेने के लिए कि ताकि वो मुझे अपनी चीज़ों के लोकेशन के बारे में बता सके। तो ये तो मेरा रिव्यू है, आपका रिव्यू इससे डिफरेंट हो सकता है। आपका जो भी इससे रिव्यू है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मेरा काम था सिर्फ आप तक जानकारी पहुंचाना, लेना या ना लेना सिर्फ आपकी चॉइस है। एक तरफ से तो ये फायदेमंद भी है और एक थोड़ा सा नुकसानदायक भी है पैसे के अकॉर्डिंग, ये सिर्फ आपको देखना है। तो ये थी एयरटैग से जुड़ी सारी जानकारी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई सारी जानकारी समझ में आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट कर बताएं कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी है। तो हम ऐसी अमेजिंग टॉपिक्स को लेकर आते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें और बेल आइकन को ऑल पर कर दें ताकि आपसे हमारी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। इसी के साथ साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।